ये सवाल तो बहुत लोगों का आता है, इवन ये पीएफ मेंबर को भी परेशानी आती है कि ये सवाल आते हैं कि क्या हम घर बैठे अपना आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में काफी लोग सवाल करते हैं। आज हम आपको ऑनलाइन दिखा देंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, दो मिनट, समझ जाओगे आप रियलिटी ना। वीडियो को अच्छे से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कुछ कहना नहीं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सॉरी, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही जरूरी है। अब हर चीजों में आपको ओटीपी आता है सिक्योरिटी के लिए कि आप भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस लिए जो है गवर्नमेंट ने सर्विस करे ताकि कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना हो। अब जैसे पीएफ में भी है उसमें भी ना हो, और कोई भी चीज़ हो उसमें भी ना हो। इसके लिए आपको वन टाइम पासवर्ड आता है जिसको कंफर्म कि आप ही कर रहे हैं ना, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि क्या हम ऑनलाइन कर सकते हैं, सिंपल बताओ ना आप, हमें हिस्ट्री बता रहे, क्यों हमें इसका फीचर्स बता रहे, हमें पता है सब, बट हमें बताइए कैसे लिंक कर रहे हैं, ऑनलाइन होगा? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। बट दो तरीके हैं, एक तो जैसे आपको पता है कि आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फिर जो पोस्ट ऑफिस की तरफ से वो मशीन लेकर आएंगे बायोमेट्रिक और आपको लिंक कर देंगे, बट बहुत हमने रिक्वेस्ट डाला है बट नहीं कुछ काम है, रिजल्ट नहीं है। सेकेंड, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लीजिए और सीधा आप आधार कार्ड सेवा केंद्र में जाइए, आप डायरेक्ट मुंह उठा के मत जाइए क्योंकि आपको लाइन में रुकना पड़ेगा, कतार बहुत बड़ी रहती है। आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे, फिक्स करेंगे, वो टाइम पे जाइए, कोई भी ऑफिसर है पहले आपको प्रायोरिटी देगा और आपको काम करके दे देगा। सो ऑलवेज विजिट आधार कार्ड सेवा केंद्र आफ्टर टेकिंग एन अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट मत जाइए। यार मैंने बहुत से लोगों को देखा, मेरे दोस्त लोग चले जाते सीधा, मैं बोलते हैं यार अपॉइंटमेंट लो, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने के सिर अदरवाइज यू हैव टू बी इन क्यू, और क्यू बहुत बड़ी रहती है। तो आई होप आप लोग समझ गए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं।